अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा काफी दिनों बाद प्लान बना है क्योंकि धूप काफी अच्छी निकली है और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। और आज हमारा प्लान बना था, ये एक हम जिस जगह पर आए हैं, ये जगह है विप्स क्रॉस हॉस्पिटल के करीब, लेटन का एरिया है। इस जगह को कहते हैं होलो पॉन्ड्स, उसके अलावा लेटन पार्क भी कहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आज पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आज चल के वॉक करें। धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो मैं सर्दी बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल अच्छा। और मैंने कहा सब थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी और आपको साथ साथ ज़रा व्यू दिखाएंगे और इसी बहाने एक व्लॉग भी। बस ये है कि लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ी बहुत वीडियोज़ नहीं बना सकते, तो चलें अभी आपको साथ साथ जिधर जिधर हम घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। ये है लेटन पार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है, सेंट्रल पार्क से ज़्यादा बड़ा, जहाँ पे हम मोस्टली वीडियोस बनाया करते थे पहले। वहाँ पर एक और चीज़ है ना, उस जगह पर अगर आप जाओ ना तो वहाँ पर बोट हायर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस जगह पे पॉन्ड्स है मोस्टली। तो चलते हैं फिर हायर करते हैं। बिल्कुल चलते हैं और हायर तो नहीं करते हैं अभी, इसी तरह वीडियोज बनाएंगे, वो बाद में किसी टाइम आएंगे। तो उसके अलावा मैं अपना ड्रोन साथ लेके आया हूँ, मैंने सोचा क्यों ना जरा व्यूज, काफी दिनों से मैंने ड्रोन भी नहीं था उड़ाया, तो मैंने कहा चलो भूल तो नहीं गए ड्रोन उड़ाना, नहीं नहीं भूल कैसे सकता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रोन साथ लेके चलें और जरा व्यूज कैप्चर करेंगे। तो चलें अभी चलते हैं, लेट्स गो। चलो फिर और जैन जो है वो ड्रोन को रेडी कर रहा है, ड्रोन को उड़ाने लगे हैं जी। तो चेक करते हैं कैसा व्यू आएगा ड्रोन से, और उसके बाद तुम्हारी बाड़ी उड़ाने की, पानी में ना फेंक देना। पानी में चला गया तो नहीं जाता। पहले कोई अपडेट आया हुआ है जी ड्रोन का, वो अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद होगा ड्रोन से स्टार्ट डाउनलोडिंग। इस जगह पर ये है कि डिफरेंट हाइकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं और उसके अलावा बाइसिकल ट्रैक्स बने हुए हैं। तो आप अगर इस जगह पर आएँ तो आप बोर नहीं होते, इंजॉय करते हैं। और इस पार्क में रश बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आज बाहर निकले हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकली है इसलिए। कहाँ पे उड़ाना है? इधर इधर मिडिल में जाए। हाँ प्लान कुछ ऐसा है कि ड्रोन जो है वो तो रेडी है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं डिस्टेंस में कितनी दूर ड्रोन के साथ जा सकता हूं, और मैं ड्रोन की हाइट जो है वो कम रखूंगा ताकि व्यू सही तरह नज़र आ सके। तो अभी चेक करते हैं और ड्रोन को वापस सामने वाली साइड देखते हैं। ओके
हमने अपनी जो कार है अभी आपको ड्रोन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सामने, हमने इस जगह पार्क किया और ये यहाँ से काफ़ी दूर जगह है, तो ड्रोन अभी हमारा ऊपर तक गया हुआ है, तो अभी हम वहाँ से ड्रोन को वापस लेके आने लगे। इस जगह पर पहुँच कर मुझे एहसास हुआ कि ड्रोन मेरा कहीं गुम ना हो जाए तो मैं यहाँ पर अपने आप को ढूंढने लग गया कि मैं किस जगह पर खड़ा हुआ था, तो लकीली मैंने अपने आप को मोबाइल की स्क्रीन पर देख लिया, तो फाइनली मैं ड्रोन को वापस ले आया। वैसे यहाँ पार्क में ड्रोन को देख के बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और स्पेशली खड़े होकर ड्रोन को देख रहे थे, जैसे ये सामने ये छोटी बच्ची भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और देखना चाह रही थी कि ये सामने क्या है। अच्छा जी, अभी तमीना का प्लान बना है कि ड्रोन को उड़ाया जाए। तमीना, इस बटन को प्रेस करके रखो। ओके, दिस वन, नाउ प्रेस एंड होल्ड दिस वन। यप, that's really good. कैसा एक्सपीरियंस? नीचे लेके आना होगा तो ऑपोजिट है। हाँ, जो आश्री को नीचे पुल करोगी तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इजी है ना? इजी है। सी, प्रेस एंड होल्ड दिस वन। ओके ओके, उससे लैंड हो जाएगा। जगह पर वॉक करके तमीना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रेस्ट कर ली जाए, और इसी बहाने यहाँ पर मैं ज़रा ड्रोन को दोबारा उड़ाकर सीन अच्छे अच्छे जो हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करूँ। तो चलें अभी देखते हैं सीन कैसे आएंगे, आप साथ साथ देखते रहिएगा। वैसे यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि ड्रोन को फ्लाई करने की हाइट UK में 400 फीट है, और इस जगह पर तकरीबन मैं 398 फीट तक अपने ड्रोन को लेके गया था, और उसके बाद ड्रोन ने मुझे वार्निंग देना शुरू कर दी थी क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने ड्रोन की हाइट को कम किया था, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रोन से कैप्चरिंग करना स्टार्ट की थी। अभी इस जगह पर हम ड्रोन की तकरीबन मैक्सिमम हाइट पर हैं, 350 फीट, तो इस जगह अभी आपको मैं 360 टर्न करके दिखाता हूँ ड्रोन से व्यू, और इस जगह पर आपको ब्लैक पैचेस नज़र आ रहे होंगे ग्राउंड पर। उसकी रीज़न ये है कि कल रात को बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से पानी अभी भी रुका हुआ है, तो जिस वजह से आपको ग्रास जो है वो सही क्लियर ग्रीन नहीं नज़र आ रहा। चलें जी, अभी आपको इस पार्क के बारे में ज़रा सा ओवरव्यू देते हैं। ये पार्क वाल्थमस्टो एरिया और लेटन स्टोन एरिया के बिल्कुल करीब है, और ये पार्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसकी रीज़न ये है कि समर में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, और उसके अलावा ये बोटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इस पार्क को होलो पॉन्ड या फिर लेटन पार्क के नाम से जाना जाता है।
आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और वैसे भी अभी शाम हो रही है, धूप भी खत्म होने वाली है और ठंड भी काफी ज्यादा होने लगी है, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी वापस चलते हैं। बिल्कुल, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है और उन्होंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट की हुई है, तो उसमें से नंबर वन चैनल कौन सा है उसके बारे में तमीना आपको बताएगी। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये चैनल बनाया है, उनके चैनल का नाम है माई लंडन लाइफ। बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं ये, फैमिली रिलेटेड लाइक बच्चों से रिलेटेड वीडियोस आती हैं इनकी, आप जरूर देखें। और उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको यहाँ पर भी नीचे उनके चैनल का लिंक शो हो रहा होगा, लिंक नहीं बल्कि नाम शो हो रहा होगा, माई लंडन लाइफ। और उसके अलावा मेरे एक और दोस्त हैं जिनका नाम है जीशान जंजुआ, उन्होंने भी रिसेंटली चैनल अपना स्टार्ट किया है, वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड चैनल है उनका, जिसमें आपको वो इंग्लिश के बारे में बताते हैं और इंग्लिश के बारे में लेक्चर्स होते हैं उनके डिफरेंट, और वोकैबुलरी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोज़ वो बनाते हैं। तो उनके चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा उनके चैनल का नाम, तो उनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोज़ इसी तरह देखती रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आजकल मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी पेज पे वोटिंग स्टार्ट की हुई है कि नेक्स्ट हमारा व्लॉग कौन सा होगा, तो वहाँ पर YouTube कम्युनिटी पेज पर जाकर हमारे चैनल के लिए वोट करें, उसके बाद आपकी वोट्स की बेस पे जिस तरह का आप व्लॉग चाहेंगे हम नेक्स्ट उस तरह की हम वीडियोज़ बनाएंगे। अभी मोस्टली Q&A व्लॉग, क्वेश्चन एंड आंसर्स व्लॉग के बारे में वोट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन सी वीडियो बनेगी। तो इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, क्या हालत अमीना, तो अभी चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, लेट्स गो।